दारूवेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार बाबूलाल लामा ने आज रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई। दारूवेड़ा की जनता बाबूलाल के साथ है। उनकी इस कार्यक्रम से जहां दारूवेड़ा में जेजेपी प्रत्याशी मान सिंह के समर्थन में आए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ठीक ही रहा, वहीं बाबूलाल लामा का जोश देखने लायक था। उनके साथ हजारों की संख्या में साधुओं के साथ साथ लोगों का हजूम मानो आज ही 27 दिसंबर के भविष्य का तय कर रहा था और बाबूलाल लामा को चेयरमैन पद का पूर्वाभास दे रहा है। इस भीड़ ने इस बात को साबित भी कर दिया कि बाबूलाल लामा की जगह लोगों के दिमाग में नहीं दिल में भी है। आज के रोड शो की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने के बाद बाबूलाल लामा के रोड शो में भीड़ ज्यादा थी, जबकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम फीका फीका सा महसूस हुआ। चुनी गई दारूहेड़ा में चर्चा सुनी गई कि चेयरमैन की चुनाव की दौड़ में बाबूलाल लामा सबसे आगे हैं। उनका मुकाबला ना कोई निर्दलीय कर पा रहा है, न ही बीजेपी जीजेपी संयुक्त उम्मीदवार। बस इंतजार है तो 27 दिसंबर का। भाजपा के बागी उम्मीदवारों के चेहरे भी आज बाबूलाल के रोड शो को देखकर उतर गए। दिमाग से तो नहीं पर दिल से सबने बाबूलाल लामा के सामने हार मानी प्रतीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं सरवण कुमार सेक्टर 6 का निवासी हूं। पिछले कई सालों से हमने देखा यहाँ पर जितने भी चेयरमैन बने हैं उन्होंने सेक्टर की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना रोड चारों तरफ से रोडों की हालत बहुत ख़राब है, रेवाड़ी से गंदा पानी आ रहा है और बाबूलाल जी ने ये वादा किया है ये पानी को हम बंद करवाएंगे और सेक्टर की जितनी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। और जितने भी लोग चाहे नौकरी वाला है या गरीब तबका है जो भी है सब बाबूलाल जी के साथ है। बहुत ही नेक ईमानदार और सज्जन पुरुष हैं बाबूलाल जी। हम चाहते हैं और हम तन मन धन से बाबूलाल जी के साथ हैं, हमेशा ही रहेंगे। हमारे पास जो बन पड़ेगा हम रात दिन इनकी सेवा में लगे रहे और पब्लिक की सेवा करें। जनता की जैसे समस्याएं हैं धारवाड़ा की, क्या क्या समस्याएं मान रहे हैं पहले कलम से बाबूलाल जी, कौन सी समस्या का निदान करें? सबसे पहली समस्या है हमारा जो भिवाड़ी से पानी आ रहा है अंडर रोड से, उसको बंद करने की बीड़ा उठाया बाबूलाल जी ने और उसको बंद करवाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरा समस्या है यहाँ पर गलियाँ नहीं है, कॉलोनियाँ कच्ची नहीं है, तो इसलिए इनका सभी सड़कों को बनवाया। मैं जीतू यादव, मैं बाबूलाल लामा का दोस्त हूँ और आज जो जन समर्थन जो हमें मिला हुआ है, आज जितना जन सैलाब रैली के रूप में जो दिखाई दिया है, उसके लिए मैं सब लोगों का, सब क्षेत्रवासियों का, दारूवेड़ा वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतने जन समर्थन दे करके और इतनी संख्या में आप रैली में पहुँचे और ये हमारी जो रैली है आज की एकदम कामयाब रैली हुई है। और बाबूलाल जी एक जो बोलते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं कि बाहरी और लोकल का जो जहर घोल रखा था ना, उसको वो जड़ से खत्म करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो उसका आज हमें समर्थन, इतना भयंकर समर्थन मिलने के बाद में पता चला है कि यहाँ लोकल और बाहरी जो विवाद है वो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। और लोगों का जिस तरीके से जो पोल आ रहा है ओपिनियन, जिस तरीके से तहे दिल से धन्यवाद करके और रैली में जोश भर के जिस तरीके से जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया, उसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।